अनाथ बच्चों की जन्माष्टमी। सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर पड़े भानवी और कृष्ण नाम के दो अनाथ बच्चे आते जाते राहगीरों के सामने भीख मांग रहे थे। अंकल, कुछ खाने को दे दो, मेरे भाई ने पिछले दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भूख से बिलख रहे दोनों अनाथ बच्चे दर दर भटकने लगते हैं। चलते चलते दोनों कोसों दूर एक गांव के भीतर आ जाते हैं। 5 साल का भूखा कृष्णा अपने 8 वर्षीय बहन भानवी से कहता है, भानवी दीदी देखना, इस गांव में हमें कोई ना कोई भोजन जरूर देगा। भानवी अपने भाई की भूख मिटाने की खातिर कमला का किवाड़ खटखटाती है और दरवाजा खुलता है। काकी, हम दोनों भाई बहन का इस दुनिया में कोई भी नहीं, मेरा भाई पिछले 2 दिन से भूखा है, कुछ खाने को दे दो। अरे तुम यतीमो, भूखे भिखारी भाई बहन को मेरा ही घर मिला था, जो चले आए मुंह उठाकर, भागो यहाँ से। ये बोलकर क्रूर कमला उनके मुंह पर किवाड़ भेड़ देती है। भूख से तिलमिलाए दोनों भाई बहन तपती धूप में बीच सड़क पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ पल बाद तुलसी नाम के एक फूल वाली ठेले के साथ वहाँ से गुजर रही थी तो उसकी नजर अनाथ बेहोश बच्चों पर पड़ती है। हे कृष्ण, जाने ये बच्चे कब से सड़क पर बेहोश पड़े हैं। तुलसी बच्चों को ठेले पर लिटाकर घर लाकर बिछोने पर सुला देती है। कुछ देर बाद दोनों बच्चे बेहोशी से बाहर आते हैं। शुक्र है जो तुम बच्चों को होश आ गया, तुम्हारे अपने कहाँ हैं? आज अगर ऐन मौके पर मैं न पहुँचती तो जाने कब तक तुम बेहोश पड़े रहते। तुलसी के प्रश्न पूछने पर 5 साल का कृष्णा नीरस स्वर से कहता है, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं, हम भाई बहन अनाथ हैं। हाँ, कुछ बरस पहले मेरे गांव में बाढ़ मौत का बवंडर बनकर भारी त्रासदी मचाने आई थी। उस बाढ़ के बहाव में सारा गांव सराबोर हो गया। उस पल हम भाई बहन गांव की सीमा से दूर रिश्तेदार के पास थे, इसीलिए बच गए। मगर जब माँ बाबा के चल बसने की खबर रिश्तेदार के कानों में पड़ी तो उन्होंने भी हमसे अपना पल्ला झाड़ लिया और तब से हम अनाथ भाई बहन दर दर भटक रहे हैं। बच्चों की बुरी आप बीती सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वे दोनों बच्चों को अपने सीने में समेट कर कहती है, हे मुरली मनोहर, इतनी सी उम्र में इन बच्चों को कितना कुछ झेलना पड़ा, मगर बच्चों आज से फिर कभी खुद को अनाथ यतीम न कहना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ बनकर लालन पालन करूँगी। तो फिर हम आपको माँ कहकर पुकार सकते हैं? हाँ कृष्णा, आज से तुम दोनों इस तुलसी के आंगन के 2 फूल हो। चलो, बहुत हो गई बातें, भूख के मारे तुम दोनों का चेहरा कुम्हला गया है, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। तुलसी दोनों बच्चों को अपने हाथों से भरपेट खाना खिलाती है। दोनों बच्चे नित दिन उसके संग भोर सवेर उठकर बाग में फूल तोड़ने आते और उसके संग गांव-गांव में फूल बेचने आया जाया करते थे। अगस्त का महीना प्रारंभ होते देख तुलसी कहती है, आज ये अगस्त के महीने का आगाज हो चुका है, अब हमें हर एक दिन खूब सारी माला बनानी होगी, क्योंकि आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी पर फूल माला की बड़ी बिक्री होगी। माँ, ये जन्माष्टमी क्या होती है? अरे तुम तो कृष्णा हो, तुम्हें अपना ही परिचय नहीं पता, आज रात मैं तुम्हें जन्माष्टमी की कहानी सुनाऊंगी। तुलसी ठेले पर फूल सवार करके अपने बच्चे समेत दिन भर फूल बेचकर जब रात को घर आती है तो भानवी कहती है, माँ अब हमें जन्माष्टमी की कहानी सुनाओ ना। ठीक है, मैं तुम्हें संक्षेप में जन्माष्टमी की कहानी सुनाती हूँ। कृष्ण वासुदेव और देवकी मैया की 8वीं और अंतिम संतान थी। उन्हें जन्म तो देवकी ने दिया, मगर बाल गोपाल का लालन पालन माता यशोदा ने किया था। तो क्या आप भी हमारी यशोदा मैया हैं? हाँ कृष्णा, क्योंकि जन्म देने वाली से पालने वाली माँ का दर्जा बड़ा होता है। जिस रोज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी अवसर को पूरा जहान जन्माष्टमी के जश्न के रूप में मनाता है। चलो, रात काफी हो चुकी है, अब सोते हैं। अगले दिन तीनों जैसे ही फूल तोड़ने बाग में आते हैं, एक जहरीला सांप तुलसी को डसकर भाग जाता है। तुलसी तेज चीख के संग सन्नकार बेहोश हो जाती है। माँ उठो ना माँ, हे मुरली मनोहर, हम इस बार अनाथ नहीं होना चाहती, मेरी माँ को बचा लो भगवान। बच्चों की बोली भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचते ही वो युवक का वेश धर कर बसंती रंग में रंगाए, सिर पर पटुका बांधे, मोर पंख लगते हाथों में मुरली, माथे पर कुमकुम, कानों में कुंडल सजाए उनके पास आकर कहते हैं, अरे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो?
हमारी माँ को सांप ने काट लिया है, वो कुछ बोल नहीं रही है, हमारी माँ हमको छोड़कर तो नहीं जाएगी ना। तुम कहो तो मैं तुम्हारी माँ को एकदम भला चंगा कर सकता हूँ। सचमुच आप हमारी माँ को ठीक कर देंगे? हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ कृष्ण भक्त है। ऐसे समझ लो कृष्ण जी ने मुझे तुम्हारी मदद की खातिर भेजा है। भगवान अपने जादुई मोरपंख को जैसे ही तुलसी के पांव पर फेरते हैं, उसके पैरों पर छाया नीलापन गायब हो जाता है। कुछ पल में तुम्हारी माँ को होश आ जाएगा। तुलसी के होश में आने पर वो तीनों घर आ जाते हैं। कृष्णा, भानवी, मुझे तो सांप नहीं काटा था, फिर मैं बची कैसे? माँ, एक भले व्यक्ति ने हमारी मदद की, उन्होंने ही आगे बढ़कर आपकी जान भी बचाई। अगली सुबह, आप नीचे क्यों उतर रही हैं? अभी आपके पांव से बरसक चला भी नहीं जा रहा। जन्माष्टमी बेहद पास है बिटिया, अगर पैर नहीं बढ़ाऊंगी तो बाग से फूल कैसे आएंगे? बस इतनी सी बात, आपके बच्चे कब काम आएंगे? भानवी हाथों में बड़ी सी डलिया लेकर कृष्ण के साथ बाग में आती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोविंद का भेष धर कर कदम की डाली पर बैठे मुरली बजा रहे होते हैं। कृष्णा, तुमने सुना? कोई बड़े ही सुरीले स्वर में मुरली बजा रहा है, तभी तो बाग के सभी पंछी बिडौल होकर कलरव कर रहे हैं। दोनों भाई बहन आवाज को भांपकर जैसे ही कदम के पास आते हैं, वहाँ श्री कृष्ण डाल से सटकर बैठे हाथों में मटके लिए माखन खा रहे होते हैं। अरे तुम तो वही हो ना जिसने कल हमारी माँ की जान बचाई? कल तुमने अपना नाम नहीं बताया था। मैं गोविंद हूँ। वैसे तुम मुझे कान्हा, कन्हैया, गिरधर, गोपाल, श्याम, मनमोहन कुछ भी कह सकते हो। तुम्हारे इतने सारे नाम हैं। मैं हूँ कृष्णा। गोविंद और कृष्णा दोनों का एक ही अर्थ है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? दरअसल हम भाई बहन जन्माष्टमी तक खूब सारे फूल की बिक्री करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। आप किस गांव के हैं और ये क्या खा रहे हैं? मैं गोकुल का रहने वाला हूँ, इसे माखन कहते हैं, खाओगे? हाँ। श्री कृष्ण उन दोनों को खूब सारा माखन खिलाकर कदम के फूल देकर कहते हैं, जन्माष्टमी तक तुम केवल ये कदम के फूल बेचना, ये कृष्ण जी के बड़े मन भावन है। तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है क्या? आज भी तुमने कल वाले कपड़े ही पहने हैं। ऐसा नहीं, बस बसंती रंग की पोशाक मुझे बेहद प्रिय है, इसलिए मैं साल भर यही पहनता हूँ। गुजरते हर एक दिन के साथ दोनों बच्चे बाग से फूल तोड़कर भगवान से बातें करते हैं और फूल बेचकर अपना घर चला रहे थे, जिसके साथ जन्माष्टमी का दिन दस्तक देता है। दोनों संग मिलकर घर के हर एक कोने को कदम के फूल से सजाकर घर की किवाड़ पर माखन की मटकी टांग देते हैं, जिसे देख तुलसी कहती है, क्या बात है, दोनों सवेरे सवेरे ही जन्माष्टमी के जश्न की तैयारी में जुट गए। माँ, जन्माष्टमी से जुड़ी सारी जानकारी हमें गोविंद ने दी है। ये गोविंद कौन है? माँ, वो गोकुल गाँव के रहने वाले है, उनका पहनावा एकदम हमारे मंदिर के श्री कृष्ण जैसा है। इतना ही नहीं माँ, वो हर रोज हमें अपनी मटकी से माखन भी खिलाते हैं। ये सुनकर तुलसी भाव विभोर होकर कहती है, अरे बच्चों, तुम्हारे सखा और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। जन्माष्टमी से पूर्व अक्सर भगवान श्री कृष्ण बाग में भ्रमण करते हैं। सांझ को तुलसी अपने बेटे कृष्णा को श्याम सुंदर के फलस्वरूप का श्रृंगार करने के बाद कृष्ण जी की प्रतिमा का साज श्रृंगार समेत भोग आरती करती है और अंत में कृष्णा मटकी फोड़कर जन्माष्टमी के जश्न को पूरा करता है। इसी के साथ अनाथ बच्चों की जन्माष्टमी की ये कहानी होती है यहीं समाप्त। फौजी बहू से धोखा। 25 वर्षीय युविका आजाद ख्यालों की एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की थी। आज उसकी सगाई व्योम से होने वाली थी, मगर युविका के चेहरे पर खुशी की चमक दिखने की बजाय उसके भीतर एक बड़ी बेचैनी चल रही थी। उसकी माँ उसे सजाते हुए कहती है, सच कहती हूँ युविका बिटिया, भाग्य बड़ा बलवान है तेरा, जो तुझे पति के रूप में व्योम जैसा शख्स मिलेगा। माँ, आप जानती हैं कि बचपन से ही मेरा पिताजी के संग गहरा रुझान रहा है,
मैं उनकी भांति फौज में जाना चाहती हूँ। ओफो, आज सगाई के सुंदर अवसर पर ये क्या बातें लिए बैठी है। उसी पल ऋतु वहाँ दस्तक देती है। ऋतु युविका की बचपन की पक्की सहेली थी, जिसके साथ युविका ने बचपन से बड़े होने तक का सफर तय किया था। ले, ऋतु आ गई। तुम दोनों सखी सहेली झट से नीचे आ जाओ, मैं समधन जी का स्वागत सत्कार करने जा रही हूँ। युविका को सोच में डूबा देख ऋतु उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे आज तेरी जिंदगी का खास सफर शुरू होने को है और तेरा चेहरा खुशी से लाल गुलाबी होने की बजाय पीला पड़ा दिख रहा है, ऐसा क्यों? कुछ नहीं यार। थोड़ी देर में सगाई समारोह शुरू हो जाता है। व्योम युविका को अंगूठी पहना देता है, मगर युविका बेझिझक सभी के सामने अपनी बात रखती है। क्या हुआ बहू, अंगूठी पहना व्योम को? माँ जी, सगाई से पहले मैं साफ शब्दों में आपके समक्ष अपनी इच्छा रखना चाहती हूँ। माँ जी, मैं एक फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ, क्या आपको ये मंजूर है? बहू की फौजी बनने की चाह सुन सरला मन में कहती है, अगर मैंने मनाही दिखाई तो ये हीरे की अंगूठी मेरे बेटे की उंगली में जाते जाते रह जाएगी। सरला, गर्मी से नहीं नरमी से काम लेना होगा। अरे बहू, ये तो फक्र की बात होगी कि हमारी बहू फौज में जाकर ससुराल का सम्मान कायम रखेगी। ये सुन युविका गहरी सांस भरती है। सगाई समारोह भी खत्म हो जाता है। कुछ दिन के बाद शादी का दिन भी दस्तक देता है। अग्नि के साथ फेरों के संग युविका ससुराल आ जाती है। वो ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल लेती है, मगर एक सवेरे घर की घंटी बजती है और सरला कहती है, अरे इतने सवेरे सवेरे कौन ससुरा दस्तक दिया? सरला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने एक पोस्टमैन खड़ा होता है, जो कहता है, युविका, युविका चौधरी का घर यही है? हाँ यही है। ये लीजिए, यहाँ साइन कीजिए। सरला संदेश लेकर जैसे अंदर आती है, युविका कहती है, कौन था माँ जी? पोस्टमैन था, तेरे खातिर तार आया है। युविका संदेश देखकर समझ जाती है और लेटर पढ़कर खुशी से उछल पड़ती है। अरे बहुरानी, ऐसा भी क्या लिखा है संदेश में जो तू उछल कूद करने मचाने लगी है? माँ जी, तकरीबन 3 महीने पहले मैंने फौज में जाने की अर्जी डाली थी, मुझे फौज में भर्ती मिल गई। ये मेरा जॉइनिंग लेटर है, मेरा सपना साकार होता दिखाई दे रहा है माँ जी। ये सुनकर सरला गुस्से से लाल पीली होती हुई कहती है, कान खोल कर सुन ले बहू, मैं तुझे किसी फौज में नहीं भेजने वाली। माँ जी, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? क्योंकि फौज में केवल देश के जवान ही शोभा देते हैं, जनानियों का वहाँ कोई काम नहीं। सासुमा, आज के दौर में किस सतयुग की सोच लिए बैठी हैं आप? जमाना बदल रहा है, पीढ़ी बदल रही है, फिर हम क्यों नहीं? माँ जी, अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं मसलूब बहुओं की तरह आपके जुल्मो सितम को सहूंगी और आप मुझे सताती रहेंगी, तो ये ख्याल अपनी जहन से निकाल दीजिएगा। मैंने बहू बनकर ससुराल की भरसक सेवा की, मगर अब मैं फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। देख ले व्योम बेटा, तेरी बीवी कैसे मुझ संग तू-तू मैं-मैं कर रही है। इस पर व्योम भी अपनी पत्नी युविका को प्रोत्साहित करते हुए कहता है, माँ, अगर युविका को फौज में जाने का मन है तो इसमें हर्जी क्या है? अगले ही सुबह युविका सरहद की सीमा का रुख करती है, जहाँ जनरल उसकी फौज की शपथ प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं और युविका जवान फौजी बनकर उनका सहयोग करती है। वहीं दूसरी ओर उसकी सहेली ऋतु उसके घर आती है। युविका, युविका, कहाँ है तू? देख, मैं आ गई। ऋतु की आवाज सुनकर सरला कहती है, अरे तुम्हारी सखी सहेली ससुराल में नहीं बल्कि सरहद की सीमा पर मारधाड़ करने गई है। सरला के युविका के प्रति कड़वा बोल वाला देख ऋतु अपनी शातिर चाल चलती हुई कहती है, ऋतु, ये सबसे सुनहरा मौका है अपना नंबर बनाने का, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। माँ जी, सच कहूँ तो युविका के लिए शुरू से ही परिवार मायने नहीं रहा, उसे तो बस अपने मन की करनी थी, तभी तो आपके खिलाफ जाकर उसने फौज को चुना। दरअसल ये सारी साजिश ऋतु के दूर की सोच की थी। वो युविका की आड़ में उसके पति व्योम पर निशाना साध रही थी। ऋतु अब आए दिन सरला के घर बहानेबाजी से आने लगी और इस बीच व्योम उसके प्यार में पड़ चुका था। दोनों सारे दायरे तोड़ देते हैं। एक सुबह, अरे
क्या हुआ मेरे लाल, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? माँ, मुझसे एक भूल हो गई। व्योम रोते हुए अपनी माँ को सारी बात कह सुनाता है। मौके का फायदा उठाकर व्योम के मन पर अंदर तक भावुक अत्याचार करते हैं। सरला व्योम को साइड में लाकर उसके कान भरती है। देख बेटा, तेरी उस फौजी बीवी ने तो तेरे प्यार की कदर की नहीं, साथ ही उसने ससुराल का शासन भी नहीं जाना। रितु रईस घर से ताल्लुकात रखती है, भर भर के दहेज लाएगी, इससे हम दोनों का भला हो सकता है। और क्या पता तेरी बीवी लौटे न लौटे, एक बार जो सरहद पर चला जाता है अक्सर उसकी शहीद होने की खबर ही घर लौटती है। सरला इस कदर व्योम के कान भरती है कि व्योम युविका के संग लिए सात फेरे सात बचन को भूलकर रितु से शादी कर लेता है। इस बीच युविका को फौज से छुट्टी मिल जाती है और वो घर लौट आती है और कमरे की ओर बढ़ती हुई कहती है, व्योम जब मुझे देखेंगे तो फूले नहीं समाएंगे। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो रितु और व्योम को साथ में सोया देखकर उसके तलवे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चीख कर कहती है, व्योम ये सब कुछ क्या है? और रितु, तू मेरे पीछे से मेरे पति के संग मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है? आवाज सुनकर सरला वहां आकर कहती है, इतनी रात को ये कैसी चिल्लम चिल्ली लगा रखी है? अरे बहू, दरवाजा तो भीतर से बंद है। माना कि तू फौजी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपने ही ससुराल में घुसपैठी की तरह घुस कर आएगी। शांत रहिए सासुमा, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। युविका, हालात इतने बदतर हो गए थे कि मुझे रितु से शादी करनी पड़ी, अब यही असल मायने में मेरी पत्नी है। ये सुनकर युविका को गहरा सदमा पहुंचता है। वो रोते बिलखते हुए कहती है, धोखा, तुम सबने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे धोखा दिया है, अब तुम्हें कोर्ट के चक्कर काटने से कोई भी नहीं बचा सकेगा। अगले ही दिन युविका तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करती है, जिसके तुरंत बाद केस की सुनवाई होती है। तमाम दलील से यह साफ हो चुका है कि मिस युविका के ससुराल ने उनके साथ सरासर धोखेबाजी की। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कानूनन अपराध है। अगर मिस युविका को इसके लिए कोई बड़ा एक्शन चाहती हैं, तो विक्टिम को पूरा हक है। योर ऑनर, मैं कोई भी लीगल एक्शन नहीं चाहती। युविका व्योम की धोखेबाजी के कारण हाथों हाथ डिवोर्स फाइल करती है। आपसी सहमति से उनका तलाक हो जाता है, मगर एक रात रितु सब कुछ लूटकर दूसरे देश रवाना हो जाती है। कुछ दिन तो दोनों माँ बेटे गहरे शोक के सागर में डूबे रहते हैं, फिर वो युविका के पास आते हैं। आप दोनों अब कौन सी नई धोखेबाजी का जाल बिछाने आए हैं मेरे साथ? बहू, हमने तेरे साथ सरासर धोखेबाजी की, शायद उसी की सजा हमको मिली कि रितु ने हमारे संग उसी धोखेबाजी को दोहराया। घर चल बहू, नए सिरे से शुरुआत करेंगे। युविका, एक मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ फिर कभी कोई धोखेबाजी नहीं करूंगा, तुम्हारा पति होने के सभी फर्ज को बखूबी निभाऊंगा। माफ कीजिए, अब ना तो मैं किसी की बीवी हूँ ना किसी की बहू, मैं केवल एक फौजी हूँ, मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है, अलविदा। अपनों से बड़ा धोखा मिलने के बाद युविका को संभलने में एक अरसा लग जाता है। वो आजीवन फौजी बनकर सरहद और देश की सेवा करने का चुनाव करती है। जामुन के पेड़ पर तीन चुड़ैल। आधी रात के समय जंगल के अंदर एक जामुन का पेड़ होता है, जिसके ऊपर तीन बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं। अरे ओ मेरी बहन छाया और माया, बहुत दिन हो गए, आज गांव की सैर लगाए हुए, चलो जरा गांव की सैर करके आते हैं। अरे मैं ये सब जानती हूँ कि तू गांव की सैर क्यों करना चाहती है, तुझे तो बस शिकार ढूंढने से मतलब है, जिसे तू परेशान कर सके। अरे अगर हम तीनों यहाँ से चली जाएंगी तो इस जामुन के पेड़ की रखवाली कौन करेगा? अगर किसी ने इस जामुन के पेड़ के जामुन खा लिए तो तुम दोनों जानती हो ना क्या हो सकता है। अरे हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, चलो ना एक छोटी सी सैर करके आते हैं। मैं जानती हूँ, तुम्हें कितना भी समझा लूँ तुम नहीं मानोगी, चलो अब इतना कह रही हो तो एक सैर करके आ ही जाते हैं। आधी रात के समय छाया, काया और माया तीनों गांव की सैर करने के लिए निकल जाती हैं। गांव पहुंचते ही उन्हें एक आदमी पनघट पर पानी से नहाता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर काया कहती है, अरे वाह, देखो तो सही उसे कितने आराम से नहा रहा है, मेरा मन कर रहा है उसे थोड़ा सा परेशान करने का, चलो उसे थोड़ा परेशान करते हैं। तुम्हें तो बस लोगों को परेशान करने से मतलब है, अरे बेचारा नहा रहा है उसे नहाने दो, क्यों परेशान कर रही हो? अगर तुम दोनों को मेरे साथ नहीं चलना तो मत चलो, मैं तो जा रही हूँ।
इतना कहकर काया उस आदमी को परेशान करने के लिए वहां पहुंच जाती है। सबसे पहले तो वो पनघट के पानी के अंदर घुस जाती है और डरावनी आवाज निकालने लगती है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो पनघट के पानी में डुबो डुबो कर तुम्हें मार दूंगी। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। ये सोचकर वो आदमी तुरंत अपने कपड़े पहनता है और पनघट के पानी से बाहर निकलकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद काया जोर जोर से हंसने लगती है और माया और छाया से कहती है, अरे देखा तुमने, मैंने किस तरह उसे डराया। कितना मजा आता है लोगों को डराने में। मैं तो जानती ही थी तुम गांव में सिर्फ इसीलिए आई हो ताकि तुम लोगों को डरा सको। अरे अगर मैं थोड़ी सी मटर गश्ती कर लूंगी तो क्या ही चला जाएगा? तुम ही तो बस डांटने से ही मतलब है, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? जाओ तुम भी थोड़ा सा गांव की अच्छे से सैर करके आ जाओ। अरे नहीं नहीं, अब और नहीं, हम पहले ही बहुत देर से अपने जामुन के पेड़ से दूर हैं। अब हमें वापस चले जाना चाहिए। माया और छाया हवा में उड़कर जाने लगती है कि तभी काया भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में तीनों अपने जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी उन्हें कुछ लोग जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वो तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। ओहो, इन लोगों ने तो हमारे जामुन के पेड़ के जामुन तोड़ लिए, अब हम क्या करें? अब हम कर भी क्या सकते हैं, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम अगर हमें गांव की सैर कराने के लिए नहीं लेकर जाती तो शायद ये सब नहीं होता। अरे लड़ना बंद करो और कुछ सोचने की कोशिश करो। हमें उन्हें वो जामुन ले जाने से रोकना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत से बहुत ज्यादा बुरा होगा। छाया की बात मानकर माया और काया दोनों ही कुछ तरकीब निकालने की कोशिश करती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो गांव के लोग उस जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर ले जा रहे होते हैं, जिसके बाद छाया अपना रूप बदल लेती है और माया से कहती है, देखो माया, मैं अपना रूप बदल कर उन लोगों के सामने जा रही हूँ। मैं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगी। जैसे ही मैं उनका ध्यान भटकाऊंगी, काया तुम चारों तरफ अंधेरा कायम कर देना। माया तुम उसी वक्त उनके जामुनों को उनसे चुरा लेना। काया और माया छाया की बात मान लेती हैं, जिसके बाद छाया उन आदमियों के सामने जाकर उनसे कहती है, अरे अरे, इतनी रात में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इतनी रात गए तुम्हें इस जंगल में घूमते हुए डर नहीं लग रहा? मुझे कैसा डर, ये जंगल मेरा ही तो है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैं बचपन से इस जंगल में घूम रही हूँ, मुझे इस जंगल में घूमने में बहुत मजा आता है। वैसे तुम लोग इतने सारे जामुनों को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है इस जामुन के पेड़ से अगर कोई जामुन खा ले तो वो अमर हो जाता है, तो बस हम लोग इन जामुन को ले जाकर ऊंचे दामों में बेचेंगे और इन्हें खाएंगे भी, ताकि हम भी अमर हो जाए और लोग भी अमर हो जाए और साथ ही साथ हम अच्छा खासा पैसा भी कमा लें। उन आदमी की ये बात सुनकर छाया अचंभित रह जाती है, जिसके बाद छाया बातें कर करके उनका ध्यान भटकाने लगती है कि तभी अचानक से काया उनके चारों तरफ अंधेरा कायम कर देती है और उसी समय माया उन जामुनों को उनसे चुरा कर वहां से गायब हो जाती है। कुछ ही देर में जैसे ही उनके चारों तरफ से अंधेरा गायब होता है, उन्हें अपने सामने तीन बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे जामुन के पेड़ से बहुत ही आसानी से जामुन ले जाओगे? इस जामुन के पेड़ की रक्षा करने का फर्ज हमारा है और हम इस जामुन के पेड़ के जामुन किसी को भी नहीं ले जाने देंगे। अगर अगली बार दोबारा हमारे जामुन के पेड़ के आस पास भी नजर आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। अपने सामने तीन भयानक चुड़ैलों को देखने के बाद वो दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, जिसके बाद ये बात ये गाँव के लोगों को जाती। गरीब की अधूरी प्रेम कहानी। जूनागढ़ में शीला और साहिल दोनों अलग अलग परिवार से थे। शीला एक हिंदू परिवार से थी तो वहीं साहिल एक मुस्लिम घर से था। शीला 10 साल की बच्ची थी और उसको उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। शीला के परिवार का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता था, इसलिए शीला भी अपनी माँ सुनंदा के साथ जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और बाजार में बेच देती थी। ऐसे ही अब 10 साल बीत जाते हैं। शीला अब 20 साल की हो जाती है और एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और शीला अपनी माँ की तरफ देखकर बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए दवा लेकर आऊंगी और आज आप देखना आपकी बेटी सारी लकड़ियाँ बेच देगी। शीला तू अकेली बाजार मत जा, तुझे तो पता है ना बाजार का माहौल कैसा होता है। अरे तुम चिंता मत करो माँ, अभी आपकी शीला जिंदा है,
इतना कहकर वो लकड़ियां उठाती है और बाजार चली जाती है और बेचने लगती है कि तभी वहां पर एक बाइक रुकती है और उस बाइक पर एक लड़का अपने सिर पर से हेलमेट उतारता है और शीला से बोलता है, हेलो मिस, लकड़ियां कैसी हैं? शीला उसको देखती ही रह जाती है और एक बार फिर साहिल उसकी आंखों की तरफ हाथ फेरता हुआ कहता है, मैम मैं आपसे बोल रहा हूँ, लकड़ियां कितने की हैं? मुझे लकड़ियां चाहिए। कितनी दूं? मानो उसकी आवाज साहिल के कानों से गुजरते हुए सीधा दिल तक पहुंच गई थी और साहिल उसकी आवाज सुनते ही उस पर फिदा हो गया और उससे कहता है, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए। शीला उसको सारी लकड़ियां पैक करके दे देती है और साहिल वहां से चला जाता है। वही शाम को शीला अपनी माँ के लिए दवाई लेकर घर जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ माँ, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी बेटी सारी लकड़ियां बेच कर आएगी, देखो आज मैंने सारी लकड़ियां बेच दी। शीला की ये खुशी देख सुनंदा भी खुश हो जाती है और वो कहती है, बेटा बस तू किसी गलत रास्ते पर मत जाना, बाकी मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है। शीला की आंखों में मानो साहिल की तस्वीर छप गई थी और शीला पूरी रात साहिल के बारे में सोचती रहती है। और अगली सुबह शीला फिर लकड़ियां लेकर बाजार जाने को तैयार हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम आज भी बीमार हो, इसलिए आज फिर मैं लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। शीला की माँ उसको कुछ बोलती कि इतने में शीला बाजार का सामान उठाती है और बाजार के लिए चली जाती है। वहीं उस दिन भी साहिल उसकी दुकान पर आता है और उससे बोलता है, खूबसूरत दुकान की खूबसूरत लड़की से खूबसूरत लकड़ियां खरीदने का मजा ही कुछ और है। शीला भी अब उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे साहिल और शीला के बीच में नजदीकियां बढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे से बातें किया करते और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लग गए। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। जब एक दिन शीला साहिल से बात कर रही होती है कि इतने में शीला की माँ सुनंदा शीला को साहिल के साथ देख लेती है और उसको एक थप्पड़ मारकर कहती है, तुझे मैंने इसीलिए इतनी छूट दी थी क्या कि तू किसी लड़की के साथ घूमे फिरे बात करे? मेरी आजादी का तूने गलत फायदा उठाया शीला। माँ इसमें गलत क्या है? अगर लड़की अपनी मर्जी से अपने प्यार को चुन रही है तो क्या उसे हक नहीं होता अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का? शीला मुझसे बहस मत कर, आज के बाद तू इस लड़के से नहीं मिलेगी, बस बात खत्म। बेचारी शीला का हाथ खींचते हुए उसकी माँ उसको साहिल से दूर ले जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साहिल को उसकी चिंता हो रही थी कि तभी साहिल आधी रात को शीला के घर बाहर आ जाता है और शीला को आवाज लगाने लगता है। शीला की आंख उसकी आवाज से खुल जाती है और वो बाहर जाती है और उससे बोलती है, साहिल तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें माँ ने देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। बोलो तुम कल मुझसे मिलने आओगी, मुझसे शादी करोगी? बेचारी शीला दुखी हो जाती है और उसको ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है। और अगले दिन साहिल के साथ वो बाहर जाती है और एक जगह बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी शीला के गांव के चाचा उसे देख लेते हैं कि वो एक मुस्लिम परिवार के लड़के के साथ बैठी हुई है। ये देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो सीधा सरपंच के पास चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सरपंच और गांव के कुछ आदमी वहां आते हैं और लड़के को मारते हुए ले जाते हैं। ये देखकर शीला रोने लगती है और अपने गांव वालों से बोलती है, तुम लोग साहिल को ऐसे क्यों मार रहे हो? आखिर इसने किया क्या है? क्या गलती है इसकी? इसकी गलती ये है कि इसने एक हिंदू लड़की से प्यार किया है और इस गांव में मुस्लिम घर में हम अपनी हिंदू बेटी को नहीं देते हैं। सजा फिर मुझे भी मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने भी तो एक मुस्लिम परिवार में प्यार किया है। हमारे गांव में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के घर उसकी पत्नी बनकर जाए। तुम लोगों ने इतनी रूढ़िवादी सोच आखिर क्यों रखी है? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में जात धर्म का भेदभाव आखिर क्यों है? क्यों चाचा क्यों? गांव वाले उसकी बातों का जवाब नहीं देते और बेचारे साहिल को फांसी पर लटका देते हैं। उसे फांसी पर लटका हुआ देख शीला मानो अधमरी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ
उसकी ये हालत देख शीला के माँ के कलेजे पर मानो पहाड़ टूट गया था और बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। शीला की माँ सुनंदा आगे आती है और सरपंच से बोलती है, सरपंच जी मेरी बेटी को माफ कर दो, आगे से मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगी, और अब तो साहिल भी नहीं बचा तो ये किससे बात किया करेगी, मेरी बेटी को माफ कर दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। उसकी माँ सरपंच के सामने गिड़गिड़ा रही होती है। तभी शीला मानो पागल सी हो गई थी और साहिल की मौत का सदमा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी माँ को गिड़गिड़ाता देख शीला बोलती है, माँ तुम इन बेरहम लोगों के सामने मत रो, इन लोगों ने तो एक जिंदा इंसान को मार दिया, इनसे और क्या उम्मीद कर सकती हो तुम। ओए सरपंच, तूने मेरे साहिल को मारा है ना, तो सुन मुझे भी अब नहीं जीना है, तू मुझे भी मार दे। शीला को इतने गुस्से में देख और इतनी बदतमीजी से बात करता हुआ देख सरपंच को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो सुनंदा की एक भी नहीं सुनता और शीला को पेट से बांध कर जिंदा जला देता है। और वहीं शीला की माँ अपनी बेटी को जिंदा जलता हुआ देख पागल हो जाती है और गांव वाले उसकी माँ को पागल खाने भिजवा देते हैं और इस तरह उनकी प्रेम कहानी यहीं पर अधूरी रह जाती है। चुड़ैल टीचर के काले स्टूडेंट्स। शेफाली एक सांवले रंग की स्कूल टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी। हर क्लास की तरह उसकी क्लास में भी कुछ गोरे और काले बच्चे बैठा करते थे। हर रोज की तरह आज भी वो बच्चों की अटेंडेंस ले रही थी। ऋत्विक प्रेजेंट मैम। नंदिनी प्रेजेंट मैम। काव्या प्रेजेंट मैम। ओके, सारे बच्चों की अटेंडेंस हो गई है, अब मैं दोबारा किसी को नहीं लगाऊंगी। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, जितने भी काले बच्चे हैं वो एक लाइन में बैठो और दूसरे गोरे बच्चे एक लाइन में बैठो। सारे बच्चे शेफाली की बात सुनकर हैरान थे। दोस्तों से बिछड़कर अपनी अपनी लाइन में मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और खुसर पुसर करने लगते हैं। अरे तान्या, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया? नहीं यार, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा नंदिनी, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया है? कोई मीटिंग हुई है क्या? नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। तेरे मॉनिटर होने का कोई फायदा नहीं है हमें, चापलूसी करके भी कुछ नहीं पता चलता। बैंगन कहीं की? ए कम्बोल, बैंगन तू खुद ही होगी, जुबान संभाल। ओहो, मैं बैंगन नहीं हूँ, मशरूम की तरह सफेद हूँ, समझी तू? और तू है कल्लो माई, और तेरी वो मैडम। ये पीछे शोर क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है शोर? खड़े हो जाओ। वो मैम, हम पढ़ाई का डिस्कस कर रहे थे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे रिवाइज करने के लिए लंच में, है ना नंदनी? हाँ हाँ मैम, हम रिवाइज के लिए ही बात कर रहे थे। तुम तो पढ़ंतु हो, लेकिन इन बच्चों से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जब देखो शोर मचाते हैं। चलो बैठ जाओ और साइंस की बुक निकालो। ओके मैम। ये बोलने के बाद शेफाली बच्चों को अच्छे से पेड़ पौधों के चैप्टर के बारे में बता देती है और फिर ओरल टेस्ट लेना शुरू करती है। अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है, अब मुझे सवाल के जवाब दो। बताओ, आम जिस पर उगता है वो पेड़ होता है या पौधा? मैम मुझे पता है, मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो। मैम आम का पेड़ होता है। वेरी गुड काव्या, अगला क्वेश्चन ऋतिक बताएगा। बताओ किन किन पेड़ पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती? वो मैम, आम के पेड़ को, नीम के पेड़ को और बरगद के पेड़ को पानी डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बैठो। बताओ क्या हर पेड़ पौधे की जड़ होती है? राहुल तुम बताओ। नहीं मैम, हर पेड़ पौधे की जड़ नहीं होती। गलत जवाब, अभी अभी पढ़ाया था ना मैंने, आओ बाहर निकल कर आओ। मैम मैम प्लीज, आप मारना मत। राहुल काफी डर जाता है और शेफाली चुड़ैल रूप में आकर उसे तीन चार चौटे मारती है। जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तब तुम कहाँ थे? हाँ, क्यों नहीं बताया सही से आंसर? अब पिटो। चुड़ैल मैम, चुड़ैल मैम मत मारो, अब पढ़ कर आऊंगा। ये तो चुड़ैल मैम है। क्लास के सभी बच्चे शेफाली का चुड़ैल का रूप देख कर बेहद डर जाते हैं। शेफाली चुड़ैल बच्चों से क्वेश्चन आंसर करना जारी रखती है। वो सबसे ज्यादा सवाल जवाब गोरे बच्चों से कर रही थी। चाहे गोरे बच्चे सवाल का सही जवाब ही क्यों ना दे रहे हो, वो तब भी उन्हें ही टॉर्चर करती है। आगे से मेरी क्लास में कोई पढ़कर नहीं आया तो उसे मैं बहुत मारूंगी,
सबसे ज्यादा गोरे बच्चों को। तुमसे तो मुझे खास नफरत है, इसीलिए तुम सारे बच के रहना। और अगर किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खा जाऊंगी तुम सबको। ये बोलते ही चुड़ैल पहले जैसी बन जाती है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है, जिसमें बच्चे रोते हुए कहते हैं, वो मैम कितनी गंदी है और वो चुड़ैल भी है, वो हमें खा जाएंगी, मुझे नहीं रहना इस स्कूल में। यार तू अकेला नहीं है, तेरे साथ साथ मैम ने हमको भी मारा। उन्होंने पहले काले और गोरे बच्चों को अलग किया, फिर उनसे सवाल पूछकर गोरे बच्चों को बहुत मारा। मैं तो कल स्कूल ही नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं आऊंगी, मैम ने काले बच्चों को कुछ नहीं कहा, सवाल गलत देने पर भी हम पिटे, लेकिन ये काले बच्चे काफी आनंदनीय गलत जवाब पर भी चुपचाप बैठे रहे और उनसे सवाल भी ज्यादा नहीं किया। तुम दोनों रो मत, चुप होकर लंच कर लो, फिर से आ जाएंगी नहीं तो। इस तरह तीनों लंच कर लेते हैं। ऐसे ही चुड़ैल रोज आती, गोरे बच्चों को ही डांटती और मारती थी। काले स्टूडेंट्स को वो कुछ नहीं कहती थी, उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। एक दिन डर कर गोरे बच्चे स्कूल नहीं आए तो शेफाली डरा कर उन्हें स्कूल ले आती है, फिर मारती है। छुट्टी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, अगर मुझसे चालाकी करी तो इसी तरह मारूंगी। नहीं मैम, नहीं, आपसे छुट्टी नहीं करेंगे। अगले दिन राहुल की माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती है, तो राहुल रजाई में छुप कर रोते हुए कहता है, माँ माँ मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मुझे नहीं जाना, वो चुड़ैल मारती है, बहुत मारती है, वो हम बच्चों को बहुत मारती है, वो सबसे ज्यादा जो गोरा होता है उसी को मारती है। अरे बेटा, मैम को ऐसी चुड़ैल नहीं कहते, पढ़ाई नहीं करोगे तो मार तो पड़ेगी ही, हमें भी पड़ती थी। नहीं माँ, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो सच में टीचर नहीं है, वो चुड़ैल बन जाती है, हमें पढ़ाते पढ़ाते ये देखो हाथ पैर पर उसने कैसे मारा। बेटी के हाथ पर नाखून के निशान देखकर गायत्री भी सोच में पड़ जाती है और सच का पता लगाने स्कूल जाती है। गायत्री स्टाफ रूम की ओर पहुंचती है तो उसे वहां एक चुड़ैल को मांस खाता हुआ देख लेती है। फिर वो शेफाली बनकर कहती है, अरे वाह, आज तो मुर्गा पकड़कर जो चिकन खाया है ना, मजा ही आ गया। अच्छा हुआ जो मुझे उड़ता उड़ता यही दिख गया और मैंने छपट लिया। हाय राम, इसका मतलब मेरा बेटा सही कह रहा था, यही चुड़ैल है जो बच्चों को मारती है। और आखिर क्यों? चुड़ैल का अंत करने के लिए अघोरी बाबा के पास जाना ही होगा। गायत्री जल्दी से अघोरी के पास जाकर सब बता देती है। उसका अंत करने के लिए अघोरी उसी क्लास स्कूल में मंत्र पढ़कर चुड़ैल को एक घेरे में आमंत्रित करता है। ना चाहते हुए भी चुड़ैल उस घेरे में बंद हो जाती है। कौन है, किसने किया है ये मेरे साथ, मार डालूंगी उसे। काली चुड़ैल, मैंने किया है तुझे यहाँ बंद। बता, बच्चों के साथ भेदभाव क्यों करती है? गोरे बच्चों को मारती है और काले को नहीं? एक अच्छा टीचर वही होता है जो निष्पक्षता के साथ बच्चों को पढ़ाए। कौड़ी का थर्ड क्लास है गोरी, टीचर मैं हूँ ना, ना कि तू, जो तेरे को जवाब दूँ मैं। बताना तो पड़ेगा तुझे हर हालत में। ये कहते ही अघोरी चुड़ैल पर अपना अभिमंत्रित भस्म फेंकता है, जिसके बाद वो बोलती है, बताती हूँ, वो 3 महीने पहले की बात है। स्कूल में मैं बच्चों को बड़े लगन से पढ़ाती थी, मेरे रंग की वजह से मुझे क्लास के बच्चे भी काले मिले, लेकिन मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऐसे ही एक दिन स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन था, प्राइज ये था कि जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा ड्राइंग अच्छी बनाएंगे उस पूरी क्लास को प्राइज मिलेगा। तो अपनी क्लास को मैंने बोला, बच्चों अगर तुम अपनी क्लास को विनर लाना चाहते हो तो सभी बच्चे एनवायरनमेंट रिलेटेड ही पेड़ पौधे ऐसी चीजें बनाना और फिर तो स्लोगन भी ऐड करना, इससे हमारे बहुत चांसेस हैं जीतने के। ओके मैम। शेफाली के बच्चे उसकी बात सुनकर पेड़ पौधे फ्लावर ये सब बनाते हैं। वहीं गोरे बच्चे की क्लास टीवी फोन फ्रिज सीनरी ये सब बनाते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता। शेफाली क्लास जीतने वाली होती है। गोरी क्लास के बच्चे उनके काले बच्चों की ड्राइंग को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट प्राइज गोरे बच्चों को मिल जाता है और वो फर्स्ट आते आते लास्ट आते हैं। शेफाली को इस बात से बहुत बुरा लगता है। स्कूल में टीचर टोंट मारती है।
धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। उस दिन मेरे और मेरे बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, इसीलिए मैं गोरे बच्चों को मारती हूँ, उन्हें पनिश करती हूँ, काले बच्चों को कुछ नहीं कहती। तुमने छोटे बच्चों के साथ भेदभाव करके बहुत बुरा किया, इसका उन पर क्या असर पड़ा होगा? कभी टीचर से पढ़ेंगे नहीं तुम्हारी छवि के कारण, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगोरी इतना कहकर उसे अपने मंत्रों के जाल से बोतल में कैद कर लेता है और समुद्र में फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर कभी लौट नहीं पाती।